हेलो दोस्तों, करियर पॉइंट में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम एक टॉस बनाएंगे, तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। कीबोर्ड पर पिक्चर फ्रेम टाइप करेंगे हम और पिक्चर को सिलेक्ट कर लेंगे। अब दोस्तों हम एक साइज लेंगे 15 mm। अब हम इस डिज़ाइन को सेंटर में एडजस्ट कर लेंगे, स्केल करेंगे इसको दोस्तों। दोस्तों बाकी की फालतू चीज़ें हम डिलीट कर देंगे। पिक्चर को सिलेक्ट करके थोड़ा नीचे मूव करके हम लॉक कर देंगे। अब दोस्तों सबसे पहले हम एक लाइन बना लेंगे। अब इसको हम एरे करेंगे, गिन लेते दोस्तों हमें एरे कितने का करना है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14। हम इसको 14 का एरे करेंगे। एरे कमांड लेंगे और इसको एरे कर देंगे। अब दोस्तों आर्क में जाके तीसरे वाले कमांड को सेलेक्ट करेंगे, इसका पॉइंट पकड़ेंगे, इसका पॉइंट पकड़ेंगे और एक प्यारा सा हम आर्क बना लेंगे। अब दोस्तों इस आर्क को हम ऑफसेट करेंगे 1 mm से। अब इसको पूरे को सेलेक्ट करेंगे, ट्रिम कमांड लेंगे, अब इस चीज को हम ट्रिम कर देंगे। अब दोस्तों हम आर्क कमांड लेंगे, तीसरे वाले कमांड को सिलेक्ट करेंगे, एंड पॉइंट लेंगे, दूसरा एंड पॉइंट लेंगे। और एक प्यारा सा हम आर्क बना लेंगे। स्विफ्ट टू रेल कमांड लेंगे हम, फर्स्ट रेल, सेकेंड रेल एंड देन क्रॉस सेक्शन। अब दोस्तों इन दोनों कवरिंग को सिलेक्ट करेंगे, इसको हम लॉफ्ट कर देंगे। अब दोस्तों हम लॉफ्ट कमांड लेंगे दोबारा, इसे और इसे हम लॉफ्ट कर लेंगे। इस साइड भी हम लॉफ्ट कर लेंगे। दोस्तों इन सरफेस को पकड़ के हम जॉइंट कर देंगे। अब दोस्तों वॉल्यूम निकाल के चेक करेंगे कि हमारे ये ऑब्जेक्ट ओके है या नहीं। दोस्तों ये बिल्कुल ओके है, तो अब हम इसे एरे करेंगे। दोस्तों ये जो लाइन है, इन लाइन का काम हो चुका है, अब इनको हम डिलीट कर देंगे। अब दोस्तों इसको हम एरे करेंगे 14 का। अब दोस्तों इसका एक्सट्रैक्ट सरफेस निकालेंगे हम। अब इसे हम ऑफसेट करेंगे 0.5 से। अब इसे हम एरे कर देंगे 14 से। अब दोस्तों हम सबको सिलेक्ट करेंगे, इसे हम ग्रुप कर देंगे। अब दोस्तों इसका हम सरफेस निकालेंगे, एक्सट्रैक्ट सरफेस टाइप करेंगे कीबोर्ड पर। अब इसे हम फ्रंट व्यू में जाके नीचे 0.8 मूव करेंगे, ऑफसेट करेंगे इसे हम 0.8 से। अब इसे हम एरे कर देंगे। अब इन सबको सेलेक्ट करके ग्रुप कर देंगे हम। अब दोस्तों दोबारा इसका सरफेस निकालेंगे हम। अब बाकी ऑब्जेक्ट को हम हाइड कर देंगे, इसको हम सिलेक्ट करेंगे, इसको हम मिरर कर देंगे। अब एक लाइन लेंगे दोस्तों, इस लाइन को हम ऑफसेट करेंगे 0.4 इस तरफ, 0.4 इस तरफ। अब दोनों लाइन को सिलेक्ट करेंगे, सरफेस को सिलेक्ट करेंगे, अब हम ट्रिम करेंगे। लाइन को हम डिलीट कर देंगे क्योंकि लाइन की हमारी कोई काम की नहीं है। अब दोस्तों दोनों सरफेस को हम सिलेक्ट करेंगे, इसे हम अब दोस्तों दोनों सरफेस को हम सिलेक्ट करेंगे, इसे ग्रुप कर लेंगे। ग्रुप करने के बाद इसे हम एरे मारेंगे 14 का। अब सारे सरफेस को हम सिलेक्ट करके ग्रुप कर लेंगे। डिजाइन को अब अनहाइड करेंगे। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि यहां पर सिंगल सिंगल करके कॉलेट सजा हुआ है, तो हम कॉलेट बना लेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि कॉलेट हमारा कितना बड़ा है।
दोस्तों इसे हम ऑफसेट करेंगे अंदर 0.5। अब दोस्तों हम प्रॉन्ग का मेजर लेंगे 0.65। इस प्रॉन्ग को हम ऊपर मूव कर देंगे। अब दोनों कर्विंग को पकड़ेंगे हम, सॉलिड पे जाएंगे, एक्सट्रूड प्लानर कर्व में जाएंगे, स्ट्रेट पर क्लिक कर देंगे। अब दोस्तों कीबोर्ड पर हम मेजर लेंगे -1.4। कर्विंग को डिलीट कर लेंगे हम। अब दोस्तों प्रॉन्ग को सिलेक्ट करेंगे और फ्रंट व्यू में जाके इसे हम मूव करेंगे ऊपर की साइड 1.2 mm। अब हम सॉलिड पे जाएंगे, एक्सट्रूड प्लानर कर्व, स्ट्रेट पे जाके क्लिक करके हम शिफ्ट दबा के एंड पॉइंट पकड़ के हम प्रॉन्ग को बना लेंगे। अब दोस्तों हम प्रॉन्ग को फ्रेट करेंगे 0.2 से। अब दोस्तों अंदर वाले पार्ट को हम चैम्फर एज करेंगे 0.4 से। प्रॉन्ग को हम एरे करेंगे। अब इसे हम ग्रुप कर लेंगे। अब दोस्तों यहाँ पर अब डायमंड बिठाएंगे, इंपोर्ट करेंगे दोस्तों डायमंड वाली फाइल को 1.7 mm। डायमंड को हम अनसिलेक्ट करेंगे और बाकी डायमंड को हम डिलीट कर देंगे। डायमंड को सिलेक्ट करेंगे दोस्तों, कॉपी करेंगे, सेंटर पॉइंट पकड़ेंगे और 0 एंटर कर देंगे। डायमंड को सिलेक्ट करेंगे, दो तीन बार अनग्रुप करेंगे हम। डायमंड को अनसिलेक्ट करेंगे और बाकी को हम डिलीट कर देंगे। अब दोस्तों डायमंड को पकड़ के हम नीचे मूव कर देंगे। अब दोस्तों हम ग्रुप कर देंगे इसे। सबसे पहले इसे हम रोटेट कर लेंगे, रोटेट कमांड लेंगे, 0 एंटर करेंगे और कीबोर्ड पर 45 एंटर कर देंगे। अब दोस्तों हम वाई फ्रेम में जाएंगे, डायमंड को सिलेक्ट करेंगे, कॉपी करेंगे, प्रॉन्ग का ये वाला पार्ट पकड़ेंगे और इस तरह से हम कॉपी कर लेंगे। अब दोस्तों सारे डायमंड को हम सिलेक्ट करेंगे, इसे हम ऊपर मूव कर लेंगे। अब दोस्तों इन डायमंड को हम सिलेक्ट करेंगे, फ्रंट व्यू में जाएंगे, मूव करेंगे ऊपर की साइड 0.8। अब इन तीन डायमंड को अनसेलेक्ट करेंगे, फ्रंट व्यू में जाएंगे, इसको मूव करेंगे दोबारा 0.8। अब दोस्तों इसे हम मिरर कर देंगे। इसे भी दोस्तों हम मिरर कर देंगे। तो ये रह गया था, इसे भी मिरर कर देंगे। दोस्तों आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये जॉइंट नहीं हुआ, तो हम एक बॉल बना देंगे यहाँ पर। दोस्तों हम बॉल का डायमीटर लेंगे 0.8। थोड़ा फुल मूव करेंगे इस बॉल को हम। अब दोस्तों इस बॉल को हम मिरर करेंगे, दोनों बॉल को ग्रुप कर लेंगे। अब दोस्तों इसे हम मिरर कर देंगे। अब दोस्तों जहां जहां पर ये गैपिंग है वहां पर हम बॉल बना देंगे।
अब दोस्तों आप देख सकते हैं कि हमारा डिज़ाइन अब रेडी हो चुका है। अब दोस्तों हम एक सर्कल बनाएंगे 3 mm का, इसे हम मेटल बनाएंगे पाइप कमांड से 0.4। इसे हम नीचे मूव करेंगे, अब दोस्तों इसे हम कलर करेंगे ताकि ये थोड़ा अच्छा दिखे। डिज़ाइन को सिलेक्ट करेंगे जिसे हमें कलर करना है, मटेरियल में जाएंगे, ऑब्जेक्ट पर क्लिक करेंगे, कलर पे जाके हम कलर करेंगे, गोल्ड सिलेक्ट करेंगे और सिंपली ओके पर क्लिक कर देंगे। अब दोस्तों यहाँ पर जो ग्रॉस है इसे हम फुल 100% पर कर देंगे। दोस्तों ग्रॉस से क्या होता है कि कलर थोड़ा चमकता है ग्रॉस से। दोस्तों अगर आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला तो इस वीडियो को लाइक करना। अब मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।